भैया आज हम प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी पे फिर से वापस आए हैं। ओए हम तो प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 खेल रहे थे ना, फिर से प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी में आने का क्या मतलब है? भैया इसमें हमने मेन एडवेंचर तो पूरा कर लिया था, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं भैया, बहुत सारे टफ टफ चैलेंजेस बाकी हैं, तो चलिए भैया उनको भी पूरा करते हैं। ओए टफ चैलेंजेस मतलब किस टाइप के चैलेंजेस? भैया जब हम एडवेंचर खेल रहे थे तो एक लेवल पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ज़ॉम्बीज आते थे भैया, पर अब हम ऐसा गेम खेलने वाले हैं जिसमें अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट ज़ॉम्बी आने वाले हैं भैया, जिसे कहते हैं सर्वाइवल एंडलेस। ओए एंडलेस ज़ॉम्बी का क्या मतलब है? अगर ज़ॉम्बी आते ही जाएंगे तो हम कैसे खेलेंगे? भैया यही तो स्किल है भैया, पर आपको बता दूं इसके लिए हमने स्पेशल तैयारी की है भैया, एक स्लॉट और निकाल लिया है, यानी अब हम 9 प्लांट रख सकते हैं। कुछ स्पेशल प्लांट्स को अनलॉक कर लिया है, तो उससे खेलेंगे भैया हम। चलिए पहले प्लांट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इस गेम के बारे में और आपको बताता जाऊंगा भैया। ओए ठीक है, इसमें पूल है यानी कि उस हिसाब से हमको प्लांट भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से इतने सब प्लांट ठीक है जो मैंने चूज किए हैं। मैंने सेलेक्ट किया है सनफ्लावर, उसके अलावा पी शूटर, उसके अलावा वॉलनट और उसके बाद स्पाइक वीड, टॉर्च वुड, ये लिली पैड और पम्पकिन वाला और डबल हेड सनफ्लावर रखे हैं। तो इसका स्टार्ट तो नॉर्मल तरीके से होगा ना? हाँ भैया, जैसे आप नॉर्मल लेवल खेलते हैं उसी हिसाब से आपको खेलना है। हर स्टेज में 2 फ्लैग आएंगे भैया, यानी कि 2 वेव आएंगे, और एक लेवल ख़त्म करने के बाद ज़ॉम्बी बदल जाएंगे भैया, और डिफरेंट टाइप के ज़ॉम्बी आएंगे, हर लेवल और टफ होता जाएगा आगे भैया। और ये है कि अगला लेवल को आपको शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा भैया, जो प्लांट आपने पहले से प्लांट करके रखे हैं वो वैसे ही रहेंगे, यानी हर लेवल कंटिन्यूएशन में रहेगा भैया। ओके ठीक है मैं समझ गया, अब तू देखता जा मैं कैसे खेलता हूँ। अभी तो मेरा एम रहेगा कि सबसे पहले हर रूम में एक सनफ्लावर लगा दूं, उसके बाद पी शूटर लगाऊंगा। देख एक सनफ्लावर और लगा दिया, अब पानी भी लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए लिली पैड भी लगाऊंगा। बढ़िया है भैया, पहला लेवल तो इजी होगा भैया, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे लेवल टफ होते जाएंगे। और ठीक है उसको भी संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार ये एंडलेस वाला खेल रहा हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी देखना बहुत अच्छा खेलूँगा। ये तो है भैया, आपने प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी पूरा ख़त्म कर दिया है और प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 भी खेल रहा है, तो आपको एक्सपीरियंस है भैया मालूम है मुझे। ओए देख मैंने हर रूम में सनफ्लावर लगा दिए, अब पी शूटर की बारी है, वो कौन वाला ज़ॉम्बी आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा। मेरा वॉलनट भी एक्टिव हो गया है तो उसे यहाँ लगा देता हूँ, इसके लिए मुझे एक और पी शूटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में तो मेरा ये अकेला वॉलनट खा जाएगा। और पानी में मत भूलिएगा भैया, पानी में भी तो आपको पी शूटर लगाना है ना? ओए पहले ज़मीन को संभाल लूँ फिर पानी को संभालूंगा, तो ऐसे करके हर रो में अब मुझे डबल पी शूटर रखने पड़ेंगे। देख नीचे से भी कौन वाला ज़ॉम्बी आ रहा है, और अभी तक वॉलनट एक्टिव नहीं हुआ है, कोई बात नहीं वहाँ भी डबल पी शूटर रख देता हूँ। भैया ये मोड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको सिल्वर कॉइन और गोल्ड के कॉइन मिलेंगे, तो देखिए आपके पास वैसे ही इतने सारे कॉइन इकट्ठा हो गए हैं भैया। और अगर किसी को प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी खेलना बहुत पसंद है तो उसको ये मोड बहुत पसंद आएगा भैया। और अपने व्यूअर्स से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओए मुन्ना देख मैंने पानी में भी इंतज़ाम कर दिया, अब कोई भी ज़ॉम्बी आएगा तो पानी में भी निपट जाएगा, क्योंकि वहाँ मैंने पी शूटर नहीं रखे थे, अब वहाँ भी पी शूटर रखना चालू करूँगा। ओए पी शूटर तो मैंने लगा लिए, अब थोड़ा वेट करता हूँ, डबल हेड सनफ्लावर लगाऊंगा। अरे भैया एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं भैया जो हर बार जैसे आप यूज़ करेंगे उसका दाम 50 सन बढ़ता जाएगा भैया, जिसमें से एक डबल हेड सनफ्लावर है भैया, पहले बार में वो आपको 150 सन का पड़ा था भैया, यानी 150 सन का, अब दूसरे बार वो 200 सन का पड़ेगा भैया, फिर तीसरी बार जब आप यूज़ करेंगे तो 250 सन का यूज़ पड़ेगा भैया, वैसे जितने बार आप लगाते जाएंगे उसका दाम 50 सन बढ़ता जाएगा भैया। ये ऐसे प्लांट्स के साथ होता है भैया जिनको हमने शॉप से ख़रीदा है भैया क्रेजी डेव से। ओ इसका मतलब है कि ये मोड उतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। हाँ भैया, क्योंकि इसमें हर बार लेवल के साथ साथ ज़ॉम्बियों का लेवल भी बढ़ता जाता है भैया, और एक बार किसी लेवल में अगर आपके प्लांट तहस नहस हो गए तो आपको रिकवर करने का कोई चांस नहीं मिलता भैया।
और उसे देख लेंगे। अभी देख पहला ह्यूज वेव आ गया और मैंने थोड़ी तैयारी तो की है। अब मेरे हर रो में वॉलनट लग गए हैं, साथ में ये टॉर्च वुड मैंने लगा दिया है ताकि ज़ॉम्बी आएंगे तो उनको आग के गोले से सामना करना पड़ेगा। अरे भैया, इस बीच में आप पानी को भूल गए। भैया आपने पानी में एक लिली पैड तो लगाया है लेकिन वहाँ पर कोई भी शूटर नहीं लगाया भैया। और देखिए यहाँ बकेट हेड वाला आ रहा है, ये बहुत टफ ज़ॉम्बी होता है भैया। अच्छा क्या आपने ट्रैप लगा दिया? ओए हाँ ये तो है, इस बीच में मैं पानी को भूल गया था। कोई बात नहीं, मेरा वॉलनट एक्टिव हो गया है, एक को लगा देता हूँ वहाँ पर। पर उससे पहले डबल हेड सनफ्लावर लगाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको जितना जल्दी लगाऊंगा उतने ज़्यादा सनफ्लावर हमें मिलेंगे आगे के लिए। अरे भैया बकेट हेड वाला फिर से आ रहा है, सबसे नीचे वाले रूम है भैया देखिए। ओए मुझे नहीं लगता दो पी शूटर से काम कर पाएंगे, तो इसके लिए मुझे टॉर्च वुड लगाना पड़ेगा। कहाँ गया टॉर्च वुड? बस भैया तुरंत लगा दीजिए जैसे ही एक्टिव होता है, वरना आपका वॉलनट नहीं बचेगा भैया, और हो सकता है कि वो ज़ॉम्बी अंदर भी आ जाए। ओए तू फिक्र मत कर, मेरा टॉर्च वुड एक्टिव हो गया है, तुरंत लगाता हूँ। ये हुई ना बात भैया, देखिए पानी में भी वो बकेट हेड वाला आ रहा है। अच्छा वो आपने वहाँ ट्रैप लगा दिया भैया। ओए नीचे वाला मेरा वॉलनट तो पूरा खा गया, अब मेरा वॉलनट एक्टिव होगा तो उसे कहाँ लगाऊंगा? अभी तो एक जगह भी खाली है और इसे भी रिप्लेस करना है। मैं सोचता हूँ खाली वाले में लगाऊं, क्योंकि वहाँ पर पानी वाला है और वहाँ पर बकेट हेड वाला भी आ रहा है, कोन वाला भी आ रहा है। और वैसे भी नीचे वाले में मैंने टॉर्च वुड पहले से लगा के रखा हुआ है, तो उसके लिए उतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है मुझे। भैया पानी की तरफ ध्यान दीजिए भैया, देखिए वहाँ कई ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं और आपने वहाँ पर अभी तक पी शूटर नहीं लगाया है। डबल हेड वाला जो आप सनफ्लावर लगा रहे हैं ये तो अच्छी बात है भैया, लेकिन आपको डिफेंस का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना भैया। ओए तो फिक्र मत कर, एक तो सनफ्लावर का दाम हर बार बढ़ता जा रहा है, अभी 300 सन करने पड़ेंगे अगला अगर मुझे डबल हेड वाला लगाना है तो। इसके कारण मैं दूसरे प्लांट नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो गेम का हिस्सा है, खेलता जाऊँगा। अभी टॉर्च वुड भी बहुत जगह लगाना है, सब जगह टॉर्च वुड भी होने चाहिए। हाँ भैया अभी सेकेंड ह्यूज वेव आने वाली है और बहुत जगह खाली बाकी है भैया, सब जगह आपको प्लांट लगाने होंगे, खास करके पी शूटर भैया, क्योंकि आपने कई जगह पी शूटर नहीं लगाए हैं भैया। और अगर आप टॉर्च वुड लगा रहे हैं तो जितने पी शूटर लगाएंगे उतने ज़्यादा आग के गोले बनेंगे भैया। और देखिए वो बकेट हेड वाला पानी में आपके उसी वॉलनट के पास जा रहा है भैया, जो आधा खा चुके हैं ज़ॉम्बी। मुझे नहीं लगता भैया वो ज़्यादा देर टिकेगा, तो ध्यान रखिएगा भैया। ओए देख तूने बोला, मैंने उसे पानी में डुबा दिया, अब इसे हटाकर फ्रेश वाला वॉलनट रख देता हूँ। और अभी ये पम्पकिन वाला मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं वॉलनट्स को प्रोटेक्ट कर सकूँ, उसके अलावा और भी प्लांट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है, तो ये काम की चीज़ है, इसको हमेशा रखूँगा। देख मेरे तीन टॉर्च वुड लग गए हैं, ये बढ़िया है। अब ज़मीन में इनको लगाने के अलावा पानी में भी लगाऊँगा, लीली पैड लगा के वहाँ भी मैं टॉर्च वुड लगाऊँगा, तू देखता जा। हाँ भैया अब तो ज़मीन सेफ हो गई है, अब पानी में भी ऐसे कीजिए भैया। देखिए एक टॉर्च वुड एक्टिव हो गया है, उसे भी लगा दीजिए। पर आपने यहाँ पर एक अच्छा काम किया भैया कि एक और पी शूटर लगा दिया, देखिए इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ भैया, बकेट हेड वाले वो भी। ओए रुक अभी एक को डुबाता हूँ, एक तो गया, दूसरे के लिए टॉर्च वुड लगा दिया। हाँ भैया ये फाइनल वेव है, इसके बाद ये वाला लेवल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आगे के ज़ॉम्बी आएंगे भैया, आपकी सभी के प्लांट वैसे के वैसे रहेंगे जो आपने लगाए हुए हैं। पर आपको हर लेवल के बाद फिर से प्लांट चुनने का मौका मिलेगा भैया, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस टाइप के ज़ॉम्बी आने वाले हैं, उसी हिसाब से अपना प्लांट को आप सोच सकते हैं भैया कि आपको कौन सा लेना है। ओए ठीक है, लगभग पूरे ज़ॉम्बी ख़त्म हो गए, ये बहुत अच्छा काम हुआ, पहला लेवल यानी कि दो फ्लैग हमने सरवाइव कर लिए, क्या बात है। देखिए भैया अब थोड़े डिफरेंट टाइप के ज़ॉम्बी आने वाले हैं, ये देखिए एक जो जाली वाला है भैया जो गेट पकड़ के आ रहा है। ओए सोचने दे, मेरे ख्याल से सनफ्लावर का काम हो चुका है, अभी हमको डबल हेड वाला लगाना है तो उसे हटा देता हूँ, उसके अलावा देखूँ तो मैं कौन सा प्लांट ले सकता हूँ। मेरी मानिए भैया ये बिल्ली वाली लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है भैया, ये पानी में काम करती है, लिली पैड के ऊपर इसे रखना पड़ता है भैया, इसकी खूबियाँ मैं आगे बताऊंगा। तो दूसरा एक काम कीजिए भैया, आप डबल पी शूटर ले लीजिए भैया और सिंगल वाले को रिप्लेस करते जाइए, और अगले लेवल में इनको भी अपग्रेड करते जाइएगा भैया।
ओए क्या बात है, ये एंडलेस वाला तो बहुत अच्छा है। मैंने जो प्लांट लगाए थे वो वैसे के वैसे हैं। अब और ज़ॉम्बी आते जाएंगे और मेरे प्लांट लगे हुए रहेंगे। ये मोड तो मुझे बहुत पसंद आया, क्या बात है। हाँ भैया, इस लेवल में भी दो फ्लैग हैं, इसको भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो अपने प्लान पे टिके रहिए भैया, आप सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। ओ इसमें सोचना क्या है, सबसे पहले सभी सिंगल सनफ्लावर प्लांट को मैं डबल हेड वाले से चेंज करूँगा। ये लेवल उतना टफ नहीं है, इसलिए मैं प्लांट को चेंज नहीं करूँगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले सनफ्लावर को चेंज करूँगा, उसके बाद ये तेरी पानी वाली किटी को यूज़ करूँगा। इसके बारे में कुछ बता। भैया ये मल्टीपर्पस और बहुत ही अच्छा प्लांट है भैया। ये पानी में भले ही पानी में रहे, लेकिन ये हवा में भी फायर करती है और अलग अलग लेन में भी फायर करती है। देखिए इसके तीर, देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं भैया। ओ ये तो कैक्टस जैसे कांटे छोड़ रही है, लेकिन इधर उधर जा रहे हैं इसके तीर। यही नहीं भैया, जमीन के साथ साथ ये हवा में भी जाते हैं और सामने के साथ साथ पीछे भी जाते हैं भैया, इसलिए ये मल्टीपर्पस है भैया, बहुत काम की है ये। ओए क्या बात है, बहुत बढ़िया है ये तो, क्या बात है। इसके लिए अलग अलग प्लांट लेने की जरूरत नहीं है, ये अकेले ही काफ़ी है। ऐसे लग रहा है इसके कांटे ढूंढ ढूंढ के ज़ॉम्बियों को मार रहे हैं। बहुत बढ़िया मुन्ना, क्या बात है, ये तो बहुत बेहतरीन प्लांट है, इसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। हाँ भैया, आप इसे तीन चार लगा दीजिए पानी में, बस आपका काम हो जाएगा। ओए मुन्ना, सबसे पहले मुझे सभी सनफ्लावर को डबल हेड वाले से चेंज करने दे, फिर मैं वहाँ से निश्चिंत हो जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम कर पाऊँगा। तो पहले मैंने एक काम किया, ये जो म्याऊ वाली थी बहुत अच्छी है, कैट वाली, इसे मैंने फिर से लगा दिया। बहुत अच्छा डिसीजन है भैया, एक ये भले ये पानी में है, लेकिन ये कैसे ज़मीन वाले ज़ॉम्बियों को मार रही है भैया। ओए ये वाली बहुत पसंद आई मुझे, ये हर जगह वार कर सकती है, ऐसे ही प्लांट चाहिए इन ज़ॉम्बियों को हराने के लिए। ले मेरे 350 सन भी हो गए, अब बस एक ही सनफ्लावर बाकी है जिसको डबल हेड से चेंज करना है, और उसका दाम अब बढ़ के 400 सन हो गया है। हाँ भैया, और इसी बीच पहला ह्यूज वेव आपका आने वाला है भैया, तैयार रहिएगा। ओए अब इसमें तैयार क्या रहना, प्लांट तो मैंने लगा ही दिए हैं और बीच बीच में रिपीटर्स को भी मैंने लगा दिया है। सिंगल वाले जो पी शूटर थे उनकी जगह चेंज करके अब रिपीटर्स को लगा रहा हूँ, और बीच बीच में वो पम्पकिन वाले लगाता जा रहा हूँ ताकि मेरे वॉलनट को कुछ ना हो। हाँ देखिए भैया, कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, पर आपने बहुत अच्छा सेटअप किया है भैया, वो तुरंत ही आकर मरते जा रहे हैं। ओए अभी तो हर रो में जो सिंगल पी शूटर है उनको चेंज करके रिपीटर्स को लगाना है, यानी डबल पी शूटर्स को। 250 सन तक तो पहुंच गया, 300 भी हो गया, बस 400 हो जाए तो मेरा एक जो डबल हेड वाला सनफ्लावर है उसे भी लगा दूंगा, फिर मेरा काम हो गया। देख अब सब जगह डबल हेड वाले सनफ्लावर हो गए, अब वहाँ से मुझे चिंता जो था वो दूर हट गया, अब मैं बाकी चीज़ को लगा सकता हूँ। वाह भैया बहुत बढ़िया काम, अब आप एक काम कीजिएगा भैया, ये जो रिपीटर्स हैं यानी डबल पी शूटर हैं उनको चेंज करते जाइए भैया। ओए उसको तो मैं लगाऊंगा, साथ में ये स्पाइक बीट को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे चौम्बी इनके ऊपर चलते जाएंगे तो ये उनको अटैक करता जाएगा, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अभी इसको हर रो में लगाना है, अभी थोड़े से बाकी हैं। वाह भैया, बस अब एक जगह आपका बाकी है जहाँ पर पी शूटर नहीं लगा है भैया, वहाँ भी लगा दीजिए, वो खाली जगह दिख रही है मुझे। ओए हाँ, इतने दूर से मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ भी एक जगह छूटी थी, चल ठीक है अब लगा दिया, अब स्पाइक वीड लगा के पूरा काम पूरा करता हूँ। देख स्पाइक वीड से बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऊपर वाले लेन में मैंने लगा दिया, अभी नीचे वाले बाकी है। जब वो बड़े से ट्रक वाले आएंगे ज़ॉम्बी जो आइस वाला रहता है, उनके टायर पंचअप करने के काम आता है ये, मुझे मालूम है किसी न किसी लेवल पे तो आएंगे ये, तो पहले से स्पाइक वीड लगा के रखता हूँ। हाँ भैया बढ़िया है, अभी देखिए आपके बस तुरंत तुरंत सन आते जा रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा भैया कि रिपीटर्स को लगाते जाइएगा। ओए ठीक है, बीच बीच में पम्पकिन वाले आते जा रहे हैं, उनको भी सेट करता जा रहा हूँ मैं। बढ़िया है भैया, बस एक स्पाइक वीड बाकी है मेरा, आपका बाकी पूरा हो गया भैया, उसे भी लगा दीजिए। अब ज़मीन वाला हिस्सा आपका पूरी तरीके से सिक्योर हो गया भैया, अब बस आप रिपीटर्स को चेंज करते जाइएगा भैया। ओए हाँ सही कहा, अब स्पाइक वीड भी लग गए, अब कोई टेंशन नहीं है, अब धीरे धीरे इन रिपीटर्स को चेंज करता जाऊँगा, जब तक कि पूरे चेंज नहीं हो जाते। तो देख यहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं, ये फाइनल वेव है इस लेवल का, इसको भी हम आराम से क्रॉस कर लेंगे। वाह भैया
क्या सेटअप है, ज़ॉम्बी तो थोड़ी देर भी टिक नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा किया भैया आपने। ओए रुक, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तूने देखा क्या है, अभी आगे तू देख देख मैं क्या करता जाता हूँ। बस मुझे इन नए प्लांट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तू मुझे इनकी जानकारी देता रहना, बस फिर देख मैं कैसे खेलता हूँ। क्या बात है भैया, ये लेवल भी क्रॉस हो गया, यानी कि 4 फ्लैग हमने कंप्लीट कर लिए। ओ भैया देखिए, इसमें स्पोर्ट्स वाला ज़ॉम्बी आने वाला है और ये जंपिंग जैक भी आने वाला है। उसके अलावा ये सीढ़ी वाला भी आने वाला है भैया। ओए सोचने दे मुझे, सिंगल पी शूटर का काम हो चुका है, उसे हटाना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे ख्याल से स्पाइक वीड का भी काम हो चुका है, उसे भी हटा देते हैं। टॉर्च वुच भी हमने सब जगह लगा दिए हैं, तो उसे भी हटा देते हैं। और अगर जंपिंग जैक को हटाना है तो एक टॉल नट तो रखना ही पड़ेगा, तो देखते जाते हैं। लिली पैड का काम हो चुका है, उसे हटा देते हैं, स्पाइक वीड हटा देते हैं। नहीं, लिली पैड रख लेता हूँ, मुझे सोचने दे, एक मिनट। मेरी मानिए भैया, डबल जो पी शूटर आपने लगाए हुए हैं उसको अपग्रेड करने के लिए इसे रख लीजिए, बड़ा काम का है ये। इससे आपके रिपीटर्स एक बार में 4-4 पीस छोड़ेंगे भैया। पर इसका दाम भी भैया हर बार 50 सन बढ़ता जाएगा। पहले इसका दाम है 250 सन, लेकिन ये आपकी बहुत मदद करेगा भैया। ओ एक काम करता हूँ, सबसे पहले टॉल नट चेंज करता जाता हूँ, क्योंकि वो जंपिंग जैक पता नहीं कहाँ से आ जाए तो वो क्रॉस ना कर जाए, इसके लिए मुझे इन प्लांट्स को हटाना पड़ेगा। और साथ ही साथ सिंगल वाले को हटा हटा के इन डबल हेड पी शूटर्स को लगाता जाता हूँ, यानी कि ये रिपीटर्स को। हाँ भैया बहुत बढ़िया प्लान है आपका। जैसे जैसे टॉल नट आपके एक्टिव होते जाएंगे, आप ज़मीन में उनको लगाते जाइएगा, क्योंकि अभी पानी वाले तो अभी आए नहीं हैं भैया, जब डॉल्फिन वाले आएंगे तब पानी में भी चेंज करिएगा। ओए हाँ वैसे ही करूँगा, देख ये पहली बार एक्टिव हुआ है, इसको भी मैंने चेंज किया, मैंने रिपीटर को चेंज करके इसे अपग्रेड कर लिया, क्या बात है। अरे भैया स्पोर्ट्स वाले ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं भैया। ओए वो तो आते रहेंगे, उनका काम है आना, तू उसकी फिक्र मत कर, देख मैंने सब तैयारी करके रखी है, देख तुरंत ही उसका हेलमेट उड़ गया और वो मर भी गया। क्या बात है भैया, लेकिन टॉल नट को भूलिएगा मत भैया, आप टॉल नट को चेंज करते जाइए। ओए हाँ मुझे याद है, 2 टॉल नट मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि ज़मीन में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ओए एक गलती हो गई, अरे शॉवल से मैंने ये डबल हेड वाला सनफ्लावर हटा दिया, अरे मुन्ना गलती हो गई। कोई बात नहीं भैया, उसे अगले बार में कवर कर लेंगे, तो आपके पास तो वैसे भी बहुत सारे डबल हेड वाले सनफ्लावर हैं भैया। ओए दिक्कत की बात है कि इनको डायरेक्ट लगा नहीं सकते, पहले आपको सनफ्लावर लगाना पड़ेगा, फिर उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, तो ये तो अगले लेवल पे ही हो पाएगा। पर कोई बात नहीं, अभी मैं एक काम करता हूँ, सिंगल सिंगल वाले को हटा हटा के तुरंत तुरंत उनकी जगह रिपीटर्स लगाना चालू करता हूँ। अरे भैया आपका एक वॉलनट तो रह गया भैया, जिसे चेंज करके आपको टॉल नट लगाना था। देखिए पहला ह्यूज वेव आ रहा है और ये जंपिंग जैक भी आ रहा है भैया। कोई आ नहीं रहा है, वो तो हर लेन में आ रहे हैं, दिक्कत की बात है, बस नीचे से ना आ जाए। वहाँ मैंने कोई टॉल नट नहीं रखा हुआ है, पर ठीक है, देख बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वहाँ पर मैंने रिपीटर को अपग्रेड करके ये वाला लगा दिया। बढ़िया है भैया, पहला ह्यूज वेव आराम से क्रॉस हो गया। अभी दूसरे ह्यूज की बारी है भैया, तो अब धीरे धीरे आप एक काम कीजिए, टॉल नट आपका एक्टिव हो चुका है तो टॉल नट भी लगा दीजिए। अरे क्या भैया रुक तो जाते, वहाँ ज़ॉम्बी आ रहा था और आपने तुरंत ही लगा दिया, और ये लैडर वाला बहुत ख़तरनाक है भैया, गलती से भी इसने अगर आपके वॉलनट में कोई लैडर लगा दिया तो फिर उसको हटाना पड़ेगा भैया, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ओए ठीक है सबको संभाल लूँगा, इस लेवल का मेरा एम है कि सबसे पहले सभी सिंगल वाले जो पी शूटर है उनको चेंज करके मैं रिपीटर्स लगा दूँ या डबल हेड वाले लगा दूँ, फिर आगे वाले लेवल पे अगर मौका पड़ा तो उनको चेंज करके यानी उनको अपग्रेड करके फिर मैं उनकी जगह ये अपग्रेडर लगा दूँगा। और अभी इन पानी में पी शूटर्स को हटा के उनकी जगह ये म्याऊ वाला लगाना है, बहुत अच्छी है ये। हाँ भैया ये तो बढ़िया है, देखिए एक जगह और टॉल नट लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया भैया। देखिए हम नेक्स्ट ह्यूज वेव के पास पहुंच गए हैं भैया, और आपका तैयारी बहुत अच्छा है भैया। देखिए आपने सिक्योरिटी के लिए सनफ्लावर में भी एक पंपकिन लगा दिया, क्या बात है। ओए आप मुझे सनफ्लावर को प्रोटेक्ट करना है, बहुत हो गया, मेरे वॉलनट में हर जगह मैंने पंपकिन लगा दिए हैं, अब प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना पीछे से चालू करूंगा, यानी सनफ्लावर से। देख ह्यूज वेव आ रही है, पर हम इसको संभाल लेंगे, हमको मालूम है। वाह भैया आपके डबल हेड यानी रिपीटर्स के 2-2 लाइन लगभग लगना चालू हो गया भैया।
और ऊपर वाले लेन में तो तीन तीन रिपीटर्स हैं भैया, क्या बात है। ओए हाँ मुन्ना, ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो जाएगा मुझे लगता है, पर देख कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, इतने सारे एक साथ आते हैं। शुक्र मनाइए भैया कि ये उतने टफ ज़ॉम्बी नहीं है, वरना आपकी हालत ख़राब हो जाती है भैया। ओए टफ ज़ॉम्बियों के लिए बहुत टाइम है, तब तक मैं पूरी तैयारी करके रखूँगा। देखते रहिए, ये लेवल भी क्रॉस हो गया, अब हमने 6 लेग फ्लैक्स कंप्लीट कर लिए। देखते हैं, इसमें भी कोई खास ज़ॉम्बी नहीं है, वही है जो पिछले बार के थे। तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला रख लेता हूँ क्योंकि मुझे डबल हेड वाले सनफ्लावर लगाने हैं। बाकी सब तो मुझे सही लग रहा है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। रुकिए, पी शूटर का काम हो चुका है, इसे हटाते हैं और इसकी जगह देखूँगा कौन सा लगाऊँ। ये पानी वाला रख लेता हूँ, काम की चीज़ है, चल एक्टिव करते हैं। अब सबसे पहले एक सनफ्लावर लगाऊंगा खाली जगह पे। अब जो पहले नहीं कर पाया था उसे पूरा करना है, यानी हर जगह ये डबल हेड पी शूटर को रखना है, यानी कि रिपीटर्स को, उसके बाद उनको अपग्रेड करता जाऊंगा। पर सबसे पहले मुझे 400 सन तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सिंगल वाले जो सनफ्लावर है उसे अपग्रेड करना है, क्योंकि ये सिंपल ज़ॉम्बी तो इतने धांसू अटैक के सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। या एक काम करता हूँ, थोड़ा रहने देता हूँ और अभी जो रिपीटर्स है उनकी जगह चेंज करके इनको अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर वाले लाइन में और सबसे आखिरी वाले लाइन में मैंने इन्हें लगा के रखा है, और वैसे भी इनका दाम बढ़ता जाएगा, तो चल इसको ही चेंज करता हूँ। हाँ भैया, इसे लगा लीजिए, बढ़िया है भैया, आपका डिफेंस और तगड़ा हो जाएगा। ओए ठीक है, मैंने इसे रख लिया, अब देखता हूँ मैं क्या करूँ। फिर से मेरे 125 सन हो गए, अभी और वेट करना पड़ेगा जब तक 400 सन नहीं हो जाते। अरे भैया, रिपीटर्स चेंज कीजिए। ओए हाँ, मैं तो भूल गया था, रिपीटर्स को भी तो चेंज करना है, यानी सिंगल वाले को हटा के डबल वाला लगाना है। सबसे नीचे वाले रो में अभी भी बाकी है, उसको भी हटा के लगता हूँ। रुक जा, अभी डबल वाला फिर से एक्टिव हो गया है, इसे हटा के डबल हेड वाला लगा देता हूँ। बढ़िया है भैया, बहुत सही, अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ही खेलते रहिए भैया, देखिए आपके फिर से 250 सन हो चुके हैं, अब धीरे धीरे कलेक्ट करते जाइए और बढ़ाते जाइए, जब तक कि आपके 400 सन नहीं हो जाते भैया। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए ताकि आप एक सनफ्लावर को चेंज करके आप डबल हेड वाला लगा सके। तो देखिए 325, 375 और 400 हो गया भैया, क्या बात है, अब आपके सब जगह डबल हेड वाले सनफ्लावर हो गए। ओए क्या बात है, अभी किटी वाली बाकी है, किटी को भी चेंज करना है। देख मैंने सिंबल जो पानी में रखा हुआ है ये पी शूटर, उसको भी चेंज करके किटी वाले में रखना है। तो देखूँ, अभी मेरा एक जगह एक सिंगल पी शूटर बाकी है, उसे भी चेंज करना है, पानी वाले में तो मैंने लगभग कर ही दिया है। अब सबसे आखिरी वाले रो में एक सिंगल पी शूटर बाकी है, उसको भी रिपीटर में चेंज करना है। 175 हो चुके हैं, 200 हो गया, तो अब उसको भी चेंज कर देता हूँ फाइनली। हाँ भैया, पहली यूज वेब चालू हो गई है और आपके सब जगह पीछे रिपीटर हो गए हैं भैया, क्या बात है। अब तो आपको यह वाला काम भी हो गया भैया, अब एक काम कीजिए, अब इन जो डबल पी शूटर को यानी रिपीटर्स को इन अपग्रेड वाले में चेंज कर दीजिए भैया। ओए ठीक है, अगला वाला 400 मांग रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 350 हो चुके हैं और ये रहा है 400। अब देखता हूँ कि कौन सा वाला चेंज करूँ। तो ज़मीन वाले तो सब चेंज हो गए, अब बस पानी वाले बाकी है, पानी वाले को भी जल्दी चेंज करूँगा, क्योंकि पानी वाले में उतने खतरनाक ज़ॉम्बी आते नहीं हैं, तो उतनी टेंशन नहीं है उसकी। सब खतरनाक ज़ॉम्बी ज़मीन वाले ही होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख मैंने अभी सबको अच्छा खासा सबक सिखा दिया है और सब धीरे धीरे मरते भी जा रहे हैं, तो ज़मीन में उतनी टेंशन नहीं है। अभी मैंने म्याऊ वाले को चेंज कर दिया, देखा तूने। हाँ भैया, ये तो देखा मैंने, बहुत बढ़िया काम किया भैया। अब धीरे से एक और म्याऊ वाले को चेंज कर दीजिए भैया, यानी किटी वाले को, तो पानी आला आपका पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा भैया, और पानी के साथ साथ हवा और ज़मीन भी सुरक्षित हो जाएगी भैया, ये किटी बहुत अच्छी है। ओए ठीक है, लेकिन रिचार्ज तो होने दे, अभी उनको रिचार्ज होने में टाइम है। तब तक मैं एक काम करता हूँ, जितने मेरे सन इकट्ठा होते जाते हैं इन रिपीटर्स को चेंज करते जाता हूँ, अब पानी वाले की बारी है। हाँ भैया, अब धीरे से इनको भी चेंज कर दीजिए, देखिए 425 हो चुके हैं, 450 हो चुके हैं, अब तो आपका एक्टिव हो गया है, पानी में भी एक चेंज हो गया, क्या बात है। देखिए फाइनल ह्यूज वेव अब आ गया है भैया, देखिए अब देखते हैं आपकी तैयारी कैसे है भैया। वैसे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ज़ॉम्बी तो थोड़ी देर भी नहीं टिक पाते भैया, तुरंत ही मर जाते हैं। ओए सबसे अच्छी बात यह है कि जिस लेवल में जो चाह रहा हूँ वो हो जा रहा है,
जैसे मैं जिस प्लांट को एक्टिव करना चाह रहा हूँ वो हो जा रहा है, इसलिए हमारा काम जल्दी जल्दी बन रहा है। बढ़िया है भैया, इस ह्यूज वेव में भी लगभग कुछ ही ज़ॉम्बी बाकी है और ये वाला लेवल भी पार हो गया भैया। क्या बात है। ओए हाँ, ये लेवल भी क्रॉस हो गया, अब कुछ ही ज़ॉम्बी बाकी हैं बस। अब मेरे ख्याल से मैंने 8 फ्लैग क्रॉस कर लिए, यानी कि हम लोगों ने 8 फ्लैग क्रॉस कर लिए। अरे भैया इसमें थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि इसमें ये बड़ा वाला ज़ॉम्बी है भैया, ये बहुत खतरनाक होता है। ये चाहे तो अगर एक साथ इनकी आर्मी आ गई तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि एक ज़ॉम्बी को मारने में इतनी टाइम लगती है, अगर इनकी आर्मी आ गई तो आप कैसे करेंगे भैया। ओए तब की तब देखी जाएगी, देख मैंने 4 म्यू वाले लगा दिए, अब बढ़िया है। हाँ भैया, अब पानी में बस वो जो रिपीटर है उसको अपग्रेड कर लीजिए भैया, तब आपका काम हो जाएगा। अब अगला अपग्रेड करने के लिए 500 सन की ज़रूरत है भैया, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 300 सन हो चुके हैं। ओ इस लेवल में मुझे वही काम करना है, जो रिपीटर्स हैं उनको अपग्रेड करके उनकी जगह इनको लगाना है। बाकी सब तो सही चल रहा है, तो बस इसे भी चेंज कर दिया। वाह भैया देखिए कितने भी खतरनाक ज़ॉम्बी आ रहे हैं, बकेट हेड वाले हैं, वो तो तुरंत ही मरते जा रहे हैं भैया, थोड़े कदम भी नहीं चल पा रहे वो। आपने इतना अच्छा सेटअप बनाया है भैया कि ज़ॉम्बी तो टिक ही नहीं पा रहे हैं भैया। ओए इस बार तूने प्लांट अच्छे अच्छे परचेज किए हैं, इसलिए काम हो पा रहा है, वरना तो पहले वाले प्लांट से ये मुश्किल हो जाता। वाह भैया बढ़िया है, अब आप धीरे धीरे हर प्लांट को प्रोटेक्ट भी करते जा रहे हैं, ये बढ़िया काम भैया। ओए मुझे मालूम है, वो जो बड़ा वाला ज़ॉम्बी है वो धीरे से एक बच्चा फेंकता है, वो फिर हमारे प्लांट खाना चालू करता है, अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तो वो पीछे वाले प्लांट खा जाएगा। वाह भैया क्या दिमाग चलाया है, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था, आपने पहले से प्लान करके रखा है, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, आप तो प्रो प्लेयर बन गए हैं भैया, एकदम अच्छे से खेल रहे हैं। ओए तूने तो कहा था कि जैसे जैसे ज़ॉम्बी आएंगे उस हिसाब से प्लान करते हुए चलना, तो मैं बस वही कर रहा हूँ, प्लानिंग के हिसाब से खेल रहा हूँ। और मैंने देख एक और रिपीटर को अपग्रेड कर दिया है, ऐसे करके मैं हर रो में एक एक और अपग्रेड करता जाऊँगा, फिर देख मेरी पावर कितनी बढ़ जाती है। हाँ भैया पहला ह्यूज इस लेवल का आने वाला है, तैयार रहिए, वो बड़ा ज़ॉम्बी ज़रूर आएगा भैया। ओए तो फिक्र मत कर, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है, वो कहाँ से भी आए कैसे भी आए नहीं बच पाएगा। देखते हैं भैया, क्योंकि अगर गलती से वो अंदर घुस गया तो आपके पूरे प्लांट को खा जाएगा भैया, पूरे प्लांट को चौपट कर देगा, और आपका इतना अच्छा सेटअप भैया वो बर्बाद हो जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन इस ह्यूज वेव में मुझे नहीं लगता भैया कि वो ज़ॉम्बी आ रहा है, देखिए भैया पानी में कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं। ओए देख रहा हूँ कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, पर सबके सब तुरंत ही निपट जाएंगे, क्योंकि ये जो कीटी वाली है उनको छोड़ेगी नहीं, मैंने चार चार लगा के रखी है, तो मज़ा आ रहा है देख, सबके सबको तुरंत ही ख़त्म करते जा रही है वो। और इन किटीज की सबसे अच्छी बात यह है कि पानी में अगर कोई ना हो तो वो ज़मीन में अटैक करना चालू करती है और ज़मीन के ज़ॉम्बियों को मारती है, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। हाँ भैया आगे तो बलून वाले ज़ॉम्बी भी आएंगे, तो ये उनको आराम से संभाल लेगा। आपको अलग से कैक्टस लगाने की ज़रूरत नहीं है भैया, जैसा सेटअप है वो बहुत अच्छा है। ओए देख बहुत अच्छा है, सब ज़ॉम्बी तुरंत तुरंत मरते जा रहे हैं, ऊपर वाले रो में तो देख कि अचानक पी शूटर अंगारों की लाइन सी लग गई है, कितने तेज़ी से वो आग वाले निकलते जा रहे हैं। अरे भैया देखिए ज़ॉम्बियों का सन्निधि आ गया भैया, देखिए खंभा लेकर कैसे घूम रहा है, और आपके जो कांटे वाले प्लांट्स को तो ये तोड़ता जा रहा है भैया, देखिए उसने अपना बेबी छोड़ा भैया, लेकिन आपने पहले से प्रोडक्शन दे के रखा था कि अच्छा काम किया। ओए मैंने दूसरे वाले में भी रिपीटर को चेंज कर दिया, देख अपग्रेड कर दिया है। क्या बात भैया आपकी ज़मीन में भी इतने ज़्यादा हो गए हैं भैया कि वो बड़ा ज़ॉम्बी भी टिक नहीं पा रहा है। ओए सब अच्छा किया, लेकिन ये मेरे कांटे वाले ज़ॉम्बियों को उसने तोड़ दिया पूरी तरीके से, यानी कांटे वाले प्लांट्स को तोड़ दिया, अब इसे मुझे अगले लेवल पर ठीक करना पड़ेगा। हाँ भैया ये तो है, देखिए अब सिर्फ दो ही ज़ॉम्बी बाकी है, बस ये ख़त्म हो जाए तो ह्यूज वेव ख़त्म हो जाएगी मेरे ख्याल से भैया। ओए मुन्ना ह्यूज वेव कहाँ ख़त्म हुई है, ह्यूज वेव तो अब आने वाली है, देख अब ह्यूज वेव आने वाली है, अब इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कांटे वाले पूरी जगह से हट चुके हैं। अरे भैया उनका नाम स्पाइक वीड है, आप भूल जाते हैं कांटे वाले क्या होते हैं। अच्छा हाँ स्पाइक वीड, देख वो मेरे पूरी तरीके से हट चुके हैं, इनको फिर से फिक्स करना पड़ेगा,
अब बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अरे भैया घबराइए मत, आपका जो सेटअप है बहुत अच्छा है भैया। देखिए कोई ज़ॉम्बी टिक ही नहीं पा रहा है और ह्यूज वेव भी तुरंत ही खत्म हो गई भैया। जितने ज़ॉम्बी थे सबके सब मर गए। ओए क्या बात है, अब इसके बाद हमने 10 फ्लैग पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। बढ़िया है, ये मेरा पहला गेम है और पहले ही 10 फ्लैग को हो चुके हैं। देख अब ये आइस वाला आएगा और इसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा, स्पाइक वीड तो चाहिए ही चाहिए। ओए देख सिंगल सनफ्लावर का काम पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, तो अब इसको हटा देते हैं। इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, कोई दूसरा प्लांट ले लेता हूँ, स्पाइक वीड तो चाहिए ही चाहिए। अब देखने दे, मुझे कोई और दिख नहीं रहा है, मैं लीली पैड ही रख लेता हूँ। ठीक है भैया, वैसे भी इसमें स्पाइक वीड ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, तो उसे रख लेते हैं। ओए देख अब मैं स्पाइक वीड का काम सबसे पहले पूरा करता हूँ, फिर धीरे धीरे पम्पकिन लगाता जाता हूँ जहाँ जहाँ मैंने पम्पकिन नहीं लगाए हैं। ठीक है भैया। देखिए बहुत अच्छा चल रहा है और ये ज़ॉम्बी तो टिक ही नहीं पा रहे हैं भैया आपके सामने, स्पाइक वीड लगाते जाइए बस। ध्यान रखिएगा भैया, जैसे जैसे वो आइस वाले आएंगे आपको तुरंत तुरंत स्पाइक वीड लगाना पड़ेगा भैया, वरना वो आपके स्पाइक वीड को ख़त्म करते हुए आइस की एक लेयर चढ़ा देंगे भैया, जहाँ आप कोई भी प्लांट नहीं कर पाएंगे भैया आप। ओए ठीक है ध्यान रखूँगा, सबसे पहले एक काम करता हूँ, सभी जगह स्पाइक वीड को लगा के कंप्लीट कर लेता हूँ, और जैसे जैसे एक्टिव होते जाते हैं वैसे वैसे उनको लगाता जाता हूँ। ऊपर वाले रो में तो ख़त्म हो गए, अब नीचे वाले रो में बाकी है। और पम्पकिन भी सभी प्लांट पे लगाता जाता हूँ, इनको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भैया आपका सेटअप इतना अच्छा है कि अभी तक आपको वॉलनट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी भैया, आपका एक भी वॉलनट खाया हुआ रही है देखिए। और सबसे अच्छी काम आपने ये की थी भैया कि सबके ऊपर पम्पकिन का एक लेयर लगा दिया, तो अगर कोई ज़ॉम्बी आएगा भी तो वो पहले पम्पकिन खाएगा उसके बाद आपका वॉलनट खाएगा भैया, इसलिए आपकी वॉलनट डैमेज नहीं हुए हैं। देख मेरा स्पाइक वीड का काम लगभग पूरा हो गया, अब एक आखिरी बाकी है उसे भी लगा देता हूँ, अब सब जगह स्पाइक वीड लग गए। हाँ भैया अब पहली ह्यूज वेव आने वाली है, उसके लिए तैयार रहेगा भैया, क्योंकि इस ह्यूज वेव में वो गाड़ी वाले तुरंत आएंगे भैया, और तुरंत तुरंत आपको एक्टिव होके उनकी जगह चेंज करते जाना है भैया जो स्पाइक वीड लगेंगे, क्योंकि स्पाइक वीड उनके चक्कों में लगने के बाद फट जाते हैं भैया। ओए हाँ मुझे पता है, रुक जा एक काम करता हूँ, वैसे भी अभी कोई गाड़ी वाला आ नहीं रहा है, गाड़ी वाला आएगा तब देखा जाएगा, तो अभी तो हर जगह मेरी सिक्योरिटी हो चुकी है, मैंने हर जगह को सिक्योर करके रखा हुआ है। हाँ भैया इसलिए इस लेवल का पहला ह्यूज वेव आ गया। देखिए अब तो तुरंत वो गाड़ी वाले आएंगे भैया, और देखिए आपका एक जगह और एक्टिव हो गया था, रिपीटर को आपने चेंज कर दिया, क्या बात है भैया। सबसे ऊपर वाले लेन में आपके 3 रिपीटर्स हैं भैया, वो भी अपग्रेडेड वाले, क्या बात है भैया। देखिए उनकी जो ताकत है ये तो देखिए कितनी तेज़ी से फेंकते जा रहे हैं भैया, ज़ॉम्बी तो उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं, बाप रे बाप। और आपके 2 स्पाइक वीड फट चुके हैं भैया, उनकी जगह चेंज करना पड़ेगा। एक तो आपने चेंज कर दिया, दूसरा भी चेंज कर दिया, क्या बात है। ओए तूने देखा कैसे अंगारों की बारिश हो रही है, ये रिपीटर्स तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, इतना तेज़ी से उनके ऊपर अटैक करते जा रहे हैं। ये बेचारे ज़ॉम्बी इसके सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं, ये छोटे मोटे ज़ॉम्बी क्या कर पाएंगे। बहुत अच्छा सेटअप है मुन्ना, देखा तूने गाड़ी वाले भी तुरंत फुटते जा रहे हैं। हाँ भैया तुरंत स्पाइक वीड लगाते जाइए, वरना वो आइस की लेयर चढ़ा देंगे, तो अभी तक तो आपने बहुत अच्छा किया है भैया, देखिए कोई भी ज़ॉम्बी टिक नहीं पा रहा है। ओए मुन्ना ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इस लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी, बस ये है कि स्पाइक वीड बार बार लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो फूटते जा रहे हैं, और देख लगातार आते जा रहे हैं वो तो। हाँ भैया अब की बार तो ये टाइम भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही भैया। ओए ऊपर वाले रो में देख कैसे अचानक इन लोग रिपीटर वाले तोड़ते जा रहे हैं। हाँ भैया मैंने देखा, अब एक ह्यूज वेव और आने वाली है, उसके लिए तैयार रहिएगा भैया, देखिए गाड़ी वाले भी तुरंत आते जा रहे हैं। अब किसी भी वक्त एक अगला ह्यूज वेव आने वाला है भैया, यानी इस लेवल का दूसरा वाला, गाड़ी वाले की तरफ ध्यान दीजिएगा भैया, देखिए वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओए देख रहा हूँ देख एक लेयर तो उसने लगा दी है, उस जगह अब कोई नहीं लग रहा है, नीचे वाले में भी ऐसे ही है, अब देख अगला ह्यूज वेव चालू हो गया, इसको भी लगभग हम पार कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया इस लेवल को हमने क्रॉस कर लिया, तो अब हमारे 12 फ्लैग हो जाएंगे भैया, देखिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि 12 फ्लैग तक हम आराम से सर्वाइव कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओए हाँ ये तो है,
कि पहली बार मैंने ये गेम खेला और उसमें भी हम 12 लेवल तक पहुंच गए, यानी 12 फैक तक पहुंच गए, ये बढ़िया हुआ। हाँ भैया देखिए, ये वाला यूज लगभग ख़त्म होने वाला है, अब थोड़े से ज़ॉम्बी और बाकी है, बस आपका काम हो गया भैया। और ये वाला लेवल भी हमने क्रॉस कर लिया, बढ़िया है भैया। अब ये लेवल क्रॉस होते ही हमारे 12 फ्लैग हो गए भैया, अब हमने 12 फ्लैग कर लिए हैं भैया। देखिए अब एंडलेस में ये लाल वाला ज़ॉम्बी भैया, ये सबसे ख़तरनाक है, ये लेवल बहुत मुश्किल होने वाला है भैया, क्योंकि इसमें ये स्पाइडर ज़ॉम्बी भी है भैया, ये ऊपर से आकर आपके प्लांट ले जाएगा भैया। ओए 12 फ्लैग कर लिए, आगे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं एक काम करता हूँ, स्पाइक वीड्स को तुरंत तुरंत अपनी जगह पे लगाता जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने पहले से अपग्रेड करके रखे हुए हैं और प्रोटेक्शन भी डाल के रखी हुई है, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए भैया। वो लाल आँखें वाले जो ज़ॉम्बी है, बड़े वाले ज़ॉम्बी, अगर उनकी फौज आ गई तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे अच्छे खासों को हरा देते हैं भैया। कितना भी अच्छा आपका सेटअप हो, वो सबको ऐसे ही हरा देंगे भैया। ओए ठीक है, कोई बात नहीं, इतना अच्छा तो खेला है मैंने, और पहले बार में ही 12 फ्लैग क्रॉस करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा किया है। इसमें अगर हार भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने बहुत अच्छा खेला है, और वैसे भी कभी ना कभी तो हारना ही है, और क्या पता हम इस लेवल को भी क्रॉस कर जाएं, कोई दिक्कत ना हो। हो सकता है तू ऐसे ही डर रहा हो, क्योंकि पहले भी उन ज़ॉम्बियों को तो हमने हराया है, बड़े बड़े ज़ॉम्बी आए लेकिन हार गए। भैया उस समय वो केवल 2 या 4 आए थे, अगर उनकी पूरी आर्मी आ गई भैया और एक साथ आ गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हर चीज़ को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं भैया, और फिर आपको कुछ नहीं बचेगा भैया। हो सकता है इसके बाद अगला लेवल भी आप क्रॉस नहीं कर पाए। ओए तू इतनी नेगेटिव बात क्यों कर रहा है, रुक खेलने दे, अभी तक तो इतना अच्छा खेला है, तो आगे क्या हो जाएगा। सॉरी भैया, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। बढ़िया, आपने बाकी तो सेटअप अच्छा करके रखा हुआ है भैया, आपकी रिपीटर्स जो है अपग्रेडेड है और हर जगह अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ओए पहला यूज वेब चालू हो गया, देख अब मेरे हर प्लांट प्रोटेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई कहीं से भी आ जाए। देख ह्यूज वेव आ गई, तैयार रहना पड़ेगा हमें। हाँ भैया तैयार रहिएगा, क्योंकि इसके बाद एक ह्यूज वेव और आने वाली है भैया। हो सकता है, देखिए ये स्पाइडर वाला ज़ॉम्बी है भैया, और आपके रिपीटर्स को कैसे ले जाते जा रहे हैं, पर बच गए भैया, अच्छा हुआ। और ये देखिए भैया, खोदते हुए वो नीचे से आ रहे हैं, कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं भैया। देखिए ये तो पीछे से हमला कर रहा है, लेकिन आपने एक बात अच्छी की हुई है भैया, कि आपने ये पंपकिन वाला लगाया हुआ है, और आपके किटी वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। देखिए कैसे इनको मारते जा रहे हैं। ओए तूने तो इन प्लांट्स के बारे में बताया था, किटी वाले बहुत अच्छे हैं, देख इनको कैसे तुरंत तुरंत मारते जा रहे हैं, वरना मुझे डबल हेड वाले पी शूटर्स को रखना पड़ता, और वो केवल एक सिंगल ही पी शूट करते, तब दिक्कत हो जाती। हाँ भैया सब चीज़ का सोल्यूशन है किटी वाले, क्या बात है भैया, बहुत अच्छे, आपके सबके सब मर गए भैया, जो पीछे से आ रहे थे सबके सबको इन्हें मार डाला, क्या बात है। और एक यूज वेव तो हमने सर्वाइव भी कर लिया, और एक भी वो बड़े वाले ज़ॉम्बी नहीं आए भैया, अच्छा हुआ इसको हमने आराम से सर्वाइव कर लिया। वेट करते हैं भैया। ओए हाँ देखा ना, मैंने पीछे वाले इसलिए प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे, अगर प्लांट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता मैं पंपकिन वाले से, तो ये तो खा जाते पूरे प्लांट्स को। अरे भैया जिसका डर था वही हो गया, पूरी आर्मी लेके आए हैं भैया, ये देखिए 3 एक साथ आ रहे हैं, और सर्वाइव करते हैं, देखते हैं भैया कब तक। ओ भैया देखिए ये क्या हुआ भैया, केवल 3 थे, अब तो पूरी की पूरी आर्मी आ रही है इनकी, ये तो चीटिंग है ना भैया। इतने सारे एक साथ आएंगे तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, देखिए इन्होंने तो आपके पंपकिन को भी मार दिया भैया, सॉरी आपके वॉलनट को भी मार दिया। ओए देख रहा हूँ इन्होंने मेरे प्लांट्स को भी मार दिया, और साथ में मर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनके पीछे पीछे और आते जा रहे हैं। ओए सबसे ऊपर वाले रो में देखा, 3-4 एक साथ हैं, ये कैसा हो गया, ये तो चीटिंग है मुन्ना, ऐसे में कैसे खेल पाएंगे, 4-4 एक साथ आएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अभी ह्यूज वेव आई भी नहीं है और अभी से ये तबाही मचा दी इन्होंने, ह्यूज वेव आएगी तो क्या कर लेंगे। ओए तूने सही कहा था इन ज़ॉम्बियों के बारे में, इन्होंने तो आते साथ तबाही मचा दी, मेरा पहला रो तो गया मुन्ना, अब लगता है कि अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, हमने 12 लेवल तक क्रॉस किए, अब इसके आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे एक साथ आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी सिस्टम इनको रोक पाए, क्योंकि एक के पीछे एक आते जा रहे हैं, अब तो ऊपर वाले रो में तो मेरे कोई भी नहीं बाकी है,
डिफेंस तो पूरी तरीके से खाली हो गया है और इन्होंने तो पूरे प्लांट्स को मार दिया वहाँ के। अरे बाप रे, बस अब रोवर ही बचा सकता है। वो मोवर ने पूरे को मार दिया, बच गए हम। वो रो तो पूरी तरीके से साफ हो गया, अब तो कुछ भी कर ले तो नहीं बच पाएंगे क्योंकि ह्यूज वेव आ रही है और ह्यूज वेव को हम नहीं रोक पाएंगे। हाँ भैया, देखिए सब जगह से गायब हो गए भैया। अब लगता है इसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है भैया। देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, अब तो निकलना ही मुश्किल है भैया। ओए लगता है ये लास्ट लेवल है, अब इसके बाद हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने सारे एक साथ आएंगे तो उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये तो गेम की सरासर चीटिंग है, इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आएंगे, चार चार पाँच पाँच आएंगे तो कैसे हम झेल पाएंगे। अब तो खेल ख़त्म हो गया मुन्ना, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ और मेरा पहला रो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। दूसरे रो में भी अब ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है और तीसरे और चौथे रो में भी इन लोग आ रहे हैं। ज़मीन तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, पानी में थोड़ा बहुत बाकी भी है और बेचारी कीटी थोड़ी लड़ाई कर रही है लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था ना भैया, ये बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी है, अगर इनकी पूरी सेना आ गई तो आपका काम कभी भी तमाम हो सकता है भैया। अब तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है भैया, अब मोवर ही बचा सकता है। तो मोवर ने बचा लिया भैया, अब लास्ट लेवल में भी वो मोवर ही बचाएगा भैया। तो लगभग ख़त्म हो गए भैया। ओए हाँ, जैसे तैसे इस लेवल को हमने क्रॉस किया। अब 14 जो टोटल फ्लैग थे हमने टोटल 14 कर लिए। अब तो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। अब इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आएंगे तो हम क्या लगा लेंगे। अब मुझे तो समझ नहीं आता किसको लेना है किसको नहीं। अब तो हम हार ही जाएंगे क्योंकि ऐसे ह्यूज वेव के सामने हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सनफ्लावर लगाना है, उसके अलावा पी शूटर लगाना है, अब कैसे करेंगे हम। हाँ भैया, लगभग ख़त्म हो गया। अब कुछ बाकी ही नहीं है, अब इतने बचे सिस्टम से हम क्या कर लेंगे। ओए क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, वॉलनट लगा लेते हैं। वो छोटा सा वॉलनट यहाँ पर, एक बड़ा वाला वॉलनट यहाँ पर। अब तो लास्ट वाले रो में भी कुछ बचा नहीं है, ज़ॉम्बी लगातार आते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कुछ नहीं है। देख कितने सारे एक साथ आ रहे हैं, जब हमारा सिस्टम बहुत अच्छा था तो ऐसा लगता था कि ज़ॉम्बी कितने भी आएँ हम इन्हें संभाल लेंगे, लेकिन अब जब सब ख़त्म हो गया है तब समझ में आ रहा है कि ज़ॉम्बी कितने ख़तरनाक हैं और कितने ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं। बेचारा एक रिपीटर इनका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा और लगभग हम तो हार ही गए। अगर यहाँ पर वॉलनट रख भी दें तो उन लोग तो तुरंत ही उसे ख़त्म कर देंगे। और देख उनके पीछे इतनी ह्यूज वेव और आ रही है, अब तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। अब तो बस मैटर ऑफ टाइम कि हम कितने देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी अगर ह्यूज वेव आ गई तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देख कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ वैसे ही चल रहे हैं। अब थर्ड लेयर पे तो यानी सेकंड लास्ट लेयर पे तो कुछ भी नहीं है, एक भी मेरे पास नहीं है, बस मोवर ही है। लॉन मोवर हमें बचा सकता है, बाकी तो देखते हैं कि कहाँ ज़ॉम्बी सबसे पहले आएंगे। हाँ भैया, देखिए लगभग ख़त्म हो गया, पर हमने बहुत अच्छा खेला भैया। एंडलेस कभी तो एंड होना था। इतने सारे ज़ॉम्बियों को हरा कर हमने पहुँचाया भैया, मज़ा आ गया। तो भाई ये था वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। ले मुन्ना, आखिरकार तेरा ब्रेन तो गया।